मकान सही उच्च प्राथमिक आदर्श विद्यालय रहवा शहर कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान अध्याय चार धातु और अधातु हम कल पढ़ाया था उसी में आज आगे आज अगला प्रकरण है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो हमारे ग्राम यानी कि हम ग्राम में देखते हैं कि तांबे अथवा एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, चांदी से बने आभूषण भी काले पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि धातुएं वायु जल तथा अम्लों से अभिक्रिया कर विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। अब ये धातुएं हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करती है वायु जल और अम्लों के साथ। सबसे पहली जो हमारी अभिक्रिया है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं। यानी कि धातुएं होती हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके और सही ऑक्साइड बनाती है। जैसे उदाहरण है धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। इस वायु के साथ अभिक्रिया को समझाने के लिए एक प्रयोग है। सबसे पहले हम एक मोमबत्ती लेते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम मोमबत्ती को जलाकर उसे गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो यह है एक ज्वाला के साथ जलता है और सफेद राख बनती है। उस राख को भस्म कहते हैं। फिर इस राख को हम जल में घोलते हैं यानी विलयन बनाते हैं और इस विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं। तो हम एक मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती की सहायता से जलाएंगे, हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन रोशनी के साथ जलता है और सफेद भस्म या राख बनती है। इस राख को परख नली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाकर हिलाएंगे। अब इस विलयन यानी कि मिश्रण या विलयन एक ही बात होती है, इसका लिटमस परीक्षण करते हैं तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। और लाल लिटमस नीला हो जाता है तो यह बताता है कि इसकी प्रकृति धात्विक ऑक्साइड है यानी धात्विक होती है। और धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार तांबा तथा एल्यूमिनियम वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी कारण तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। जो हमारी दूसरी क्रिया है धातुओं के साथ वह जल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जैसे सोडियम और जल दोनों अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगली जो अभिक्रिया है अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, तो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। अगले हमारा जो बिंदु है वो है ए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले हमने पढ़ा था धातुओं के गुणधर्म, अब हम पढ़ेंगे ए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें सबसे पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। ए धातुएं वायु के साथ अभिक्रियाकार ऑक्साइड बनाती है।
यह ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर अधातु है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। अगली जो अभिक्रिया है वो है जल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो धातु होती है वो तो जल के साथ क्रिया करती है, लेकिन अधातुएं होती हैं वह जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। अगला है अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें है अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड वह जल बनाते हैं। अब आप भैया बहन समझ गए होंगे कि धातुओं और अधातुओं के अम्ल गुणधर्म के आधार पर आपको पढ़ाया था। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ाएंगे।